आप सभी का इस वीडियो में और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस वीडियो सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुईस की किताब, जो कि प्रस्तुत कर रहा हूं मैं अमन त्रिवेदी। और इस वीडियो में हम उनके जो भी सेशंस हैं उसमें टोटल 42 सेशंस हैं, उन सेशंस का समरी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी कहा है, एक बार फिर से कहूंगा कि आप लोग ये भी किताब को खरीद लीजिए, क्योंकि अगर आप इस किताब का मैक्सिमम बेनिफिट चाहते हैं इन वीडियोस का, तो आपको तभी फायदा है जब आप किताब भी हो और वीडियोस भी हो, क्योंकि तब हम मिक्स करके पढ़ सकते हैं, हमें ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, आप मेरे बारे में यहाँ पर पढ़ सकते हो जो भी जानकारी है। इसके अलावा अगर आप अनअकैडमी पर मेरे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो, जैसे कि एक मेरा प्रैक्टिस कोर्स चल रहा है इंग्लिश का, जो कि 8:30 से 10 बजे तक होता है, जिसमें हम लोग MCQs प्रैक्टिस करते हैं। इसके अलावा 7 बजे से 8 बजे तक क्लास होती है, जिसमें हम लोग कंप्लीट वोकैबुलरी डिस्कशन करते हैं। इसके अलावा कंप्लीट कोर्स ऑन इंग्लिश, जो कि 20 जनवरी से शुरू हो रहा है, 4 बजे से 6 बजे तक इसमें मेरी क्लास होती है, तो क्लास होगी। इन सभी कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए और इन सभी टीचर से पढ़ने के लिए आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद अभी सभी टीचर से पढ़ पाएंगे, डेडिकेटेड डाउट सेशंस होते हैं, वीकली मंथली टेस्ट सीरीज होती है, और वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं ऑफलाइन मोड में और उन्हें देख सकते हैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। और अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आप मेरा रेफरल कोड नोट कर लीजिए, AMANT, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। क्लास की PDF आप लोगों को कल की नहीं मिली है, कल की PDF आप लोगों को टेलीग्राम पे आज मैं पोस्ट कर दूंगा, आप वो डाउनलोड कर लीजिएगा। 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन 5400 का मिलता है और 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन 4320 का। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8299117042 पे, जहां पे मैं आपको मोर देन 10% डिस्काउंट दे सकता हूं। तो अगर आप व्हाट्सएप पे मुझसे जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको इसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी मैं दे सकता हूं। ठीक है, तो ये जो आज का वीडियो है, दैट इज द सेशन 3, जिसमें हम लोग आपके पर्सनैलिटी टाइप्स के ही आगे का पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आगे से, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में ही कहा था कि हम सेशन 1 और सेशन 2 दोनों का एक साथ बना लिया करेंगे और सेशन 3 का वीडियो अलग से कर लेंगे। तो ये आप लोगों को कल से ये चीज आपको दिख जाएगी, कल से जो आपका वीडियो आएगा उसमें सेशन 1 प्लस 2 कंबाइंड होगा और सेशन 3 आपका अलग से आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो आपकी बात होगी। और अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 8299117042 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के पहले वर्ड्स के साथ, पहले वर्ड के साथ में, जो कि है डेक्स्ट्रस। बिफोर वी स्टार्ट, मैं आपको बता दूं, आपको अगर इस वीडियो की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल @AmanTrivedi सर्च करिएगा, टेलीग्राम पे आपको चैनल मिल जाएगा, वहां पर आपको वीडियो की PDF मिल जाएगी। कल की PDF नहीं मिली है, वो आज मैं अभी पोस्ट कर दूंगा आपको। ठीक है, तो उस चैनल पे आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दिया हुआ है और कमेंट बॉक्स में भी मैं लिंक को पिन कर दूंगा। ठीक है, चलो, डेक्स्ट्रस का मतलब मैंने आप सभी लोगों को बताया हुआ था, कैसे बनता है डेक्स्ट्रस वर्ड, जो है आपका डेक्स्टर से बनता है। डेक्स्ट्रस वर्ड किससे बनता है? डेक्स्टर से बनता है। डेक्स्टर जो है आपका टर्म होता है, डेक्स्टर। डेक्स्टर का मतलब होता है किसी काम में दक्ष होना, निपुण होना, तो उसी से वर्ड बना, उसी का मतलब हुआ आपका स्किलफुल विद योर हैंड्स। ठीक है, डेक्स्टर का मतलब क्या हुआ? स्किलफुल विद योर हैंड्स। तो उससे ही आपका पहला वर्ड आपका बनता है, इसका तो इसका सिनोनिम आप याद रख सकते हो क्लेवर या फिर कनिंग, और एंटोनिम्स हो जाता है क्लम्सी या फिर फंबलिंग। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, द डेक्स्ट्रस वॉचमेकर वॉज एबल टू रिपेयर द एंटीक वॉचेस डेलिकेट गियर्स एंड पार्ट्स। यानी कि जो दक्ष, यानी कि जो एक अच्छा वॉचमेकर था, उस वो एबल था, अपीयर वॉज एबल टू रिपेयर, यानी कि वो सभी जो आपकी एंटीक वॉच, एंटीक मतलब पुरानी वॉच के जो पार्ट थे उनको रिपेयर करने में सक्षम रहा। तो डेक्सटेरिटी जो है इससे आपका नाउन बन जाता है, डेक्सटेरिटी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। अगर किसी के साथ ITY लग जाए तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर डेक्स्ट्रस का मतलब समझ में आ गया, स्किलफुल विद योर हैंड्स। ठीक है, अब देखो इससे वर्ड क्या बनता है। एक और रूट वर्ड हमें मिला यहीं पर, वो था MB। अगर MB रूट वर्ड अगर हमें कहीं पर मिलता है तो उसका मतलब क्या हो जाता है? बोथ। MB रूट वर्ड अगर हमें कहीं मिलता है तो उसका मतलब क्या हो जाता है? बोथ। तो MB रूट वर्ड से हमारा शब्द बना MB प्लस डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस का मतलब हुआ स्किल्ड, डेक्स्ट्रस का मतलब हुआ स्किल्ड, और MB का मतलब हुआ बोथ। मीनिंग का क्या हो गया? एबल टू यूज बोथ हैंड्स विद इक्वल स्किल। एबल टू यूज बोथ हैंड्स विद इक्वल स्किल, यानी कि दोनों हाथों को समान रूप से स्किल्ड होकर आप अगर इस्तेमाल कर पाते हैं तो उसे हम कहते हैं MB डेक्स्ट्रस। MB डेक्स्ट्रस मतलब क्या हो गया? एबल टू यूज बोथ हैंड्स विद इक्वल स्किल, यानी कि समान रूप से, सक्षम, समान रूप की निपुणता से आप दोनों हाथों को इस्तेमाल कर पाते हैं। जैसे कि अमिताभ बच्चन, लिखते वो राइट हैंड से हैं बट बाकी सारे काम वो किससे करते हैं?
आपने लेफ्ट हैंड से करते हैं। सिनोनिम क्या हो जाएगा आपका, एक्सपर्ट या फिर मास्टरफुल। ठीक है, तो डेक्स्ट्रस का मतलब हुआ स्किलफुल, एमबी का मतलब हुआ बोथ। एंटोनिम बन जाता है अनस्किल्ड। एग्जाम्पल के तौर पे आप याद रख सकते हैं, फ्यू ऑफ अस आर नेचुरली एमबी डेक्स्ट्रस, हम में से कुछ आपके नेचुरली एमबी डेक्स्ट्रस होते हैं, यानी कि हम दोनों हाथों को अच्छे से इस्तेमाल कर पाते हैं। इससे बनने वाला नाउन आपका हो जाता है एमबी डेक्स्टेरिटी। ठीक है, अगला वर्ड देखिए आपका डेक्स्ट्रस से ही आपका अगला वर्ड वो देते हैं, दैट इज आपका सिनिस्टर। ये वर्ड क्यों आता है, देखो ऐसा है, हमने यहां पर क्या पढ़ा, राइट हैंड हमने पढ़ लिया, डेक्स्टर मतलब क्या हुआ, डेक्स्टर का मतलब होता है, डेक्स्टर जो आपका लैटिन रूट वर्ड है इसका मीनिंग होता है आपका राइट हैंड। ठीक है, तो एमबी डेक्स्ट्रस बन गया, एमबी मतलब बोथ, मतलब जो दोनों हाथों को अच्छे से इस्तेमाल कर ले, तो वो एमबी डेक्स्ट्रस बन गया। अब इसी का राइट हैंड का अपोजिट क्या होता है, राइट हैंड का अपोजिट होता है लेफ्ट हैंड, और लेफ्ट हैंड के लिए जो रूट वर्ड आता है वो क्या आता है, लेफ्ट हैंड के लिए जो रूट वर्ड आता है वो आता है आपका सिनिस्टर। द लेफ्ट हैंड इज द इन लैटिन वर्ड फॉर द लेफ्ट हैंड इज सिनिस्टर। तो जो सिनिस्टर शब्द है ये लैटिन रूट वर्ड में, लैटिन में इसका मतलब ही होता है लेफ्ट हैंड। ठीक है, लेफ्ट हैंड के लिए जो लैटिन वर्ड है वो है सिनिस्टर। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या हो जाता है, देखो हमने जो आपकी अंग्रेजी में धारणा बनी होती है, एक राइट हैंड का मतलब हो गया अच्छा और लेफ्ट हैंड का मतलब हुआ बुरा, तो सिनिस्टर का मीनिंग भी हो जाता है आपका बीइंग और शोइंग अ साइन ऑफ एविल और कैलेमिटी टू कम, यानी कि जो व्यक्ति एविल है, थ्रेटनिंग है, डेंजरस है, एविल है, डेंजरस है या फिर थ्रेटनिंग है, यानी डरावना है, बुरा है, उसके लिए आ जाता है सिनिस्टर। तो आप इसे आसानी से याद कर सकते हो, सिनिस्टर मतलब क्यों, सिनिस्टर आपका लैटिन रूट वर्ड में इसका मीनिंग हो जाता है लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड बुरे का प्रतीक माना जाता है, इसलिए सिनिस्टर का मतलब हो गया डेंजरस या फिर थ्रेटनिंग या फिर एविल। एंटोनिम याद रख सकते हैं अनथ्रेटनिंग या फिर गुड। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप याद रख सकते हो, द मूवी रिलाइज टू मच ऑन सिनिस्टर बैकग्राउंड म्यूजिक टू क्रिएट द सस्पेंस दैट द प्लॉट सोरली लैक्स, यानी कि प्लॉट में जो आपका एक सस्पेंस है वो कम होता है, लेकिन वो सिनिस्टर म्यूजिक के थ्रू उसे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सिनिस्टर मतलब सभी सब लोग समझ गए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला वर्ड हमारा हो जाता है गॉश। ठीक है, ठीक है, अब अगला वर्ड हमारा इसी से बनता है आपका, अब देखो गॉश, अब ये क्या है, ये क्या है, दिस इज ऑल्सो द फ्रेंच वर्ड फॉर गॉश। क्या हो जाता है, गॉश का मतलब हो जाता है, गॉश इज अगेन द लेफ्ट हैंड का ही, इसका मीनिंग भी लेफ्ट हैंड है, गॉश जो वर्ड है इसका मतलब भी लेफ्ट हैंड है, लेकिन ये क्या है, दिस इज द फ्रेंच वर्ड, तो लेफ्ट हैंड के लिए जो फ्रेंच वर्ड मिलता है वो कौन सा मिलता है, वो मिलता है गॉश। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो जाता है, अब देखो जैसे अंग्रेजी जो है वो तमाम भाषाओं का मिक्सचर है। ठीक है, आपका अंग्रेजी जो है कई भाषाओं का मिक्सचर, जैसे ग्रीक रूट है, लैटिन रूट है, ये फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच वर्ड है गॉश और इसका मतलब हो गया लेफ्ट हैंड, लेकिन मीनिंग आपका वही रहा, तो गॉश का मतलब क्या हो जाता है। अब एक बात बताइए, अगर आप ज़्यादातर लोग कैसे होते हैं, राइट हैंड यूज करते हैं, अगर आप राइट हैंड को अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो तो क्या उतनी ही अच्छाई से क्या लेफ्ट हैंड इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप एम्बिडेक्स्ट्रस नहीं हो तो इसका मतलब, गॉश का मतलब क्या हो जाता है, गॉश का मतलब हो जाता है ऑकवर्ड व्हेन डीलिंग विद पीपल एंड ऑफन सेइंग और डूइंग द रॉन्ग थिंग, यानी कि गॉश क्या करता है, गॉश का मतलब हो जाता है ऑकवर्डनेस। ठीक है, क्लम्सी है, जो चीज़ों को अच्छे से नहीं कर पा रहा है, किसी काम को अच्छे से नहीं कर पा रहा, जनरली सोशली रादर देन फिजिकल, यानी कि सोशली आप किसी काम को बेहतर नहीं कर पा रहे हो, बट रादर देन फिजिकल, तो उसके लिए आता है गॉश। ठीक है, समझ में आया, मीनिंग क्या हो गया, क्लम्सी, टैंकलेस और टैक्टलेस और एम्बेरसिंग वे ऑफ सेइंग समथिंग्स, सेइंग थिंग्स। ठीक है, तो उसके लिए आ जाएगा आपका गॉश। तो एंटोनेम इसका क्या हो जाता है, ग्रेसफुल है, स्वैव अच्छे से काम कर रहा है। ठीक, सिनोनेम और एंटोनेम जरूर याद रखिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपका हो जाता है, हिज लाउड टॉकिंग एट द ओपेरा मार्क्ड हिम एज गॉश एंड अनकल्चर्ड। उसका लाउड जो बहुत तेज तेज जो बात कर रहा था ओपेरा पे, वो उसने मार्क किया एज गॉश एंड अनकल्चर्ड, वो बहुत ही अनकल्चर्ड प्रतीत हो रहा था। नाउन आपका क्या हो जाएगा, गॉशरी, गॉशरी का मतलब हो जाता है आपका सेम जो, ठीक है, तो द क्वाइट अपोजिट ऑफ गॉशरी, गॉशरी मतलब हो जाता है कि बहुत ही क्लम्सिली किसी को आप ट्रीट कर पा रहे हो, और गॉशरी का एंटोनिम क्या हो जाएगा आपका, एड्रॉइटनेस, एड्रॉइटनेस इसका जो है आपका एंटोनिम हो जाएगा। एड्रॉइट का मतलब हो जाता है आपका जो कि बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है, क्विक विटेड है, बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है, तो अट्रॉइट का मतलब क्या हुआ, अकम्प्लिस्ड विद ट्रेंड एबिलिटी, बहुत अच्छे से काम करने के लिए आ जाएगा। सिनोनेम हो जाएगा आर्टफुल या ब्रेवुरा। ठीक,
एंटोनिम्स आपका इसका हो जाएगा अनप्रोफेशनल है, अनस्किल्ड है, तो वो हो जाएगा आपका एंटोनिम। और एड्रॉइट के लिए गॉश भी आप इस्तेमाल कर सकते हो एंटोनिम में। एग्जाम्पल के तौर पे शी बिकेम एड्रॉइट एट डीलिंग विद डिफिकल्ट क्वेश्चंस, यानी कि वो बहुत ही दक्ष, बहुत ही निपुण हो गया है डिफिकल्ट क्वेश्चंस को डील करने में। तो नाउन क्या हो जाएगा? एड्रॉइटनेस। ठीक, अब अगले टर्म पर आते हैं। अगला वर्ड जो इन्होंने हमें दिया वो दिया गाइनी। गाइनी जो रूट वर्ड है इसका मतलब होता है वेमेन या फिर महिलाएं। तो उससे जो हमारा पहला शब्द बनता है गाइनेकोलॉजिस्ट। तो आईएसटी अगर किसी में लगेगा तो वो इसे बनाता है कॉमन नाउन। लॉजी मतलब हो जाता है स्टडी, गाइनी मतलब वेमेन, तो इसका मतलब हो गया गायनेकोलॉजिस्ट। हम किसे कहते हैं? वेमेन्स डॉक्टर, जो महिलाओं की डॉक्टर होती है। फॉर एग्जाम्पल सी इज अ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट इन अ लंदन हॉस्पिटल। गायनेकोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ फीमेल एलिमेंट्स, उसे हम कहते हैं गायनेकोलॉजी। स्टडी ऑफ फीमेल एलिमेंट, जो महिलाओं के एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करता है। ठीक, अब देखो इसी से आपके कुछ अन्य शब्द बनते हैं आपके, जो आपके गायनी से रिलेटेड ही हैं। तो पॉली आपका वर्ड, इन्होंने एक नया रूट वर्ड हमें दिया, दैट इज गैमोस। गैमोस का मतलब हो जाता है मैरिज, आसानी से याद रख सकते हो गैमेट से, मीनिंग हो जाता है मैरिज। ठीक, इससे आपका वर्ड बना पॉलीगैमी, बाईगैमी और मोनोगैमी। जानते हैं इनका मतलब क्या होगा? देखो मोनोगैमी बहुत ही सिंपल है, मोनो मतलब हो गया वन और गैमोस मतलब हो गया मैरिज। तो मोनोगैमी का मतलब हो जाता है द स्टेट और कस्टम ऑफ बीइंग मैरिड टू ओनली वन पर्सन एट अ टाइम, एक ही व्यक्ति से मैरिड रहने की जो अवस्था होती है उसे हम कहते हैं मोनोगैमी। अब मोनोगैमी से ओयूएस अगर इसमें लगाओगे तो वो वर्ड बनेगा मोनोगैमस। मोनोगैमस इसी से एडजेक्टिव बन जाता है, मतलब द स्टेट ऑफ गेटिंग मैरिड विद ओनली वन पर्सन। मोनोगैमी इज रेयर इन मोस्ट एनिमल ग्रुप्स बट इज अ कॉमन अमंग बर्ड्स। बर्ड्स में कॉमन होता है बट एनिमल में ये कॉमन नहीं है। अगला शब्द आता है इसी से बाईगैमी। बाई मतलब हो गया टू और गैमोस मतलब हो गया मैरिज, यानी कि बाईगैमी द क्राइम ऑफ मैरिंग समबडी व्हेन यू आर स्टिल लीगली मैरिड टू समबडी एल्स। जब आप किसी अन्य व्यक्ति से ऑलरेडी मैरिड हो और आप फिर भी किसी अन्य से शादी करते हो तो उसे बाईगैमी कहते हैं। इन कोर्ट ही एडमिटेड दैट ही कमिटेड बाईगैमी। तो ये थोड़ा सा आपका हिंदू लॉ एक्ट के अकॉर्डिंग ये आपका क्राइम माना जाता है। अगला शब्द आपका हो जाता है पॉलीगैमी। तो गैमोस हो गया आपका मैरिज और पॉली मतलब हो जाता है मैनी। पॉली मतलब हो गया मैनी, द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ एट द सेम टाइम, एक से ज़्यादा शादियां होने का जो आपका प्रचलन है उसे हम कहेंगे पॉलीगैमी, और इसी से एडजेक्टिव बनता है पॉलीगैमिस। पॉलीगैमस समटाइम्स हाउएवर पॉलीगैमी कुड बी लिबरेटिंग फॉर वन फॉर अ वमेन बिकॉज द बर्डन ऑफ हाउस होल्ड ड्यूटीज वॉज शेयर्ड। ठीक है, पॉलीगैमी आपके लिए कई बार लिबरेटिंग हो सकता है, थोड़ा सा आज़ादी देने वाला हो सकता है, क्योंकि हम उस केस में आप बर्डन जो है हाउस होल्ड ड्यूटीज का वो शेयर करते हो। अब देखो अगला टर्म मिला, अगला टर्म हमें मिलता है एंड्रोस। एंड्रोस का मतलब क्या होता है? एंड्रोस का मीनिंग हो जाता है आपका मेल और पॉली मतलब हो गया मैनी। तो पॉलीएंड्री टर्म बना पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री का मतलब हो जाता है द स्टेट और प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड और मेल मेट एट वन टाइम, एक समय पर एक से अधिक हस्बैंड होना या एक किसी महिला का एक से अधिक शादियां करने को हम कहते हैं पॉलीएंड्री। ठीक है, तो पॉलीएंड्रस इसी से एडजेक्टिव बन जाता है। तो एंड्रोस अगर किसी में लगा होता है, एंड्री टर्म लगा होता है, तो उसका मीनिंग मेल होता है। बट टू अलाउ पॉलीगाइनी बट नॉट पॉलीएंड्री वुड बी टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वुमेन। ठीक है, बट पॉलीगाइनी को अलाउ करना लेकिन पॉलीएंड्री को ना अलाउ करना एक तरीके से आपका डिस्क्रिमिनेशन होगा अगेंस्ट वुमेन। ठीक, चलिए कुछ अन्य शब्द देखते हैं आगे इन्होंने दिया, जैसे फिलैंथ्रोप। तो देखो फिल का मतलब होता है जो आपका रूट वर्ड है फिल, इसका मीनिंग हो जाता है आपका लव, और एंथ्रोप मतलब हो जाता है आपका, मैंने पहले भी बताया है एंथ्रोप का मतलब हुआ मैनकाइंड, ह्यूमन। ठीक है, तो फिलैंथ्रोपिस्ट किसे कहेंगे? अ रिच पर्सन हु हेल्प्स द पुअर एंड दोज इन नीड स्पेशली बाय गिविंग मनी। जो आपको मनुष्य जिन लोगों को पैसे की आवश्यकता है उन्हें पैसे देकर उनकी मदद करने की जो होती है, जो हैबिट होती है, जो एक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड पॉली, जिस जो व्यक्ति करता है उसे कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट, और जो आदत है इसे फिलैंथ्रोपिक हैबिट कहेंगे, और फिलैंथ्रोपी लव फॉर मैनकाइंड हो जाता है। सिनोनिम आपका बेनिफैक्टर और कंट्रीब्यूटर हो जाएगा। एंटोनिम आपका डोनी या गिफ्टी हो जाएगा आपका, और द ट्रस्ट वॉज फाउंडेड बाई एन अमेरिकन फिलैंथ्रोपिस्ट, ये आपका सही एग्जाम्पल हो जाएगा।
अब इसी से एंथ्रोपोलॉजिस्ट बन जाएगा, एंथ्रोपोलॉजिस्ट कॉमन नाउन हो गया, डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ अदर्स, एंथ्रोपोलॉजिकल एडजेक्टिव हो गया, एंथ्रोपोलॉजी स्टडी हो गया, और एंथ्रोपोस आपका मैनकाइंड हो गया। मैंने आपको ये सारे टर्म पहले भी बताए हैं। सम एंथ्रोपोलॉजिस्ट थिंक दैट मेंबर्स ऑफ हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज टेंड टू हैव मोर लेजर, यानी कि कुछ ऐसे व्यक्ति, कुछ जो एंथ्रोपोलॉजी मैनकाइंड के बारे में अध्ययन करने वाले लोग कहते हैं, मानते हैं कि जो लोग हंटिंग और गैदरिंग करते थे उनके पास अधिक लेजर, अधिक आपका सुख होता था। ठीक, अब अगला टर्म देखो, अगला टर्म है एस्केटिक। एस्केटिक किससे बनता है? एस्केटिक जो रूट वर्ड है वो है आपका एस्केटिस। एस्केटिस का मतलब हो जाता है मॉन्क या फिर हर्मिट। मॉन्क मतलब साधु संत, या हर्मिट का मतलब भी हो जाता है साधु संत। तो एस्केटिस से बना एस्केटिक मीनिंग क्या हो जाएगा? मॉन्क या फिर सेल्फ डिनाइंग, यानी कि अ मॉन्क हु लिव्स अ लोनली लाइफ, नॉट फॉर हिम द प्लेजर ऑफ द फ्लैश पॉट्स एंड लाफ्टर एंड मेरीमेंट ऑफ द कन्वेनियल गैदरिंग्स, यानी कि जिसके लिए जो सामाजिक सांसारिक सुख है उसका उनका उसके लिए कोई उन उसका उन, उसके लिए कोई मतलब नहीं है। ही जस्ट लिव्स बाई हिमसेल्फ, और उसको बाकी लग्जरी से कोई मतलब नहीं है, सुख संसाधनों से कोई मतलब नहीं है, उसे कहते हैं एस्केटिक। तो एस्केटिक क्या हो गया? मॉन्क या सेल्फ डिनाइंग। सिनोनिम्स हो गया ऑस्टियर या डिसिप्लिंड। एंटोनिम हो जाएगा लग्जरियस या एक्स्ट्रावेगेंट। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, बुद्धिज्म रिक्वायर्स एस्केटिक बिहेवियर इंक्लूडिंग फास्टिंग बाय इट्स मॉन्क्स बट नॉट फ्रॉम अदर फॉलोअर्स, यानी कि बुद्धिज्म के लिए आपको एस्केटिक बिहेवियर चाहिए, एस्केटिक बिहेवियर होना चाहिए जिसमें आपके फास्टिंग इंक्लूड होता है बाय इट्स मॉन्क्स बट नॉट फ्रॉम अदर फॉलोअर्स, यानी कि उसके मॉन्क्स को फास्ट करना पड़ता है, जरूरी नहीं है कि उनके अनुयायियों को भी आपका फास्ट करना पड़े। तो एस्केटिक समझ में आ गया, एस्केटिक इंपॉर्टेंट टर्म है, एग्जाम में पूछा जाने वाला है, इसी से आपका आप नाउन बनता है, एस्केटिज्म बनता है। एस्केटिज्म मतलब हो जाता है आपका, एस्केटिसिज्म मतलब ये नाउन हो जाता है, इसी का एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और एस्केटिक आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, चलिए अब जो भी शब्द हमने पढ़े हैं उनका एक बारी रिवीजन कर लेते हैं। डेक्स्ट्रस मतलब हो गया स्किल्ड विद योर हैंड्स, ठीक है, जो स्किल्ड है, जो योग्य है, जो सक्षम है। एम्बिडेक्स्ट्रस दोनों हाथों को अच्छे से इस्तेमाल कर पाए। सिनिस्टर हो गया वो व्यक्ति जो जो बींग और शोइंग अ साइन ऑफ एविल और कैलेमिटी टू कम, जो थोड़ा सा आपका एविल दिखता है, थ्रेटनिंग है, डरावना है, उसे कहेंगे सिनिस्टर। गॉश हो जाता है जो ऑकवर्ड है चीज़ों को डील करने में, अच्छे से डील नहीं कर पाना, इसको लेफ्ट हैंड से कनेक्ट करके याद रखो। अड्रॉइट फ्रेंच में राइट हैंड का हो गया, मतलब जो ट्रेंड है, जो एबल है। गैनकोलॉजिस्ट महिलाओं की डॉक्टर। फिलेंथ्रोपिस्ट वह व्यक्ति जो, वह रिच पर्सन जो गरीबों की मदद करता है पैसे के द्वारा। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो मैनकाइंड के बारे में स्टडी करता है। एस्केटिक हम मॉन्क को कहते हैं, सेल्फ डिनाइंग। मोनोगैमी मतलब ए स्टेट और कस्टम ऑफ बीइंग मैरिड टू ओनली वन पर्सन एट अ टाइम। बाईगैमी हो गया दो शादी करने की प्रथा। पॉलीगैमी हो गया मोर देन वन मैरिज। पॉलीएंड्री हो गया आपका वन वुमेन हैविंग मोर देन वन हस्बैंड। ईगो मतलब हमने पहले ही देखा हुआ था, ईगो आय हो गया। ईगो मतलब हुआ खुद का कंसेप्ट ऑफ वन सेल्फ। ईगोइस्ट जो अपने बारे में सोचता है। ईगोटिस्ट हु टॉक्स अबाउट वन सेल्फ। ईगोसेंट्रिक थिंग्स लाइक वो सेंटर ऑफ यूनिवर्स है, पूरे संसार का केंद्र वही है। ईगोमेनियाकल जो अपने बारे में बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। इंट्रोवर्ट उसे कहते हैं जो शाय व्यक्ति है। ये शब्द मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम पिछले वीडियोस में बता चुके हैं, जिन्होंने नहीं देखे हैं वो आई बटन में जाके देख सकते हैं। एक्स्ट्रोवर्ट मतलब हो जाता है सोशलेबल पर्सन। एम्बीवर्ट मतलब हो गया जो एक्स्ट्रोवर्ट भी है, इंट्रोवर्ट भी है, जो शाय भी है और नहीं भी है, तो दो उसे कहेंगे आपका एम्बीवर्ट। मिसएंथ्रोप हु हेट्स पीपल। मिसोगाइनिस्ट जिसे महिलाओं से घृणा है। मिसोगैमी जिसे शादी से घृणा है, क्योंकि मिस का मतलब क्या था? हेट। ऑल्टर का मतलब मैंने अदर बताया था। ऑल्टरिज्म मतलब दूसरों की मदद करना। ऑल्टरिस्टिक बिहेवियर दूसरों के वेलफेयर के बारे में सोचना। ऑल्टरनेट एक का एक छोड़कर। ऑल्टरनेटिव चॉइस, ऑल्टरकेशन, वर्बल डुअल आर्ग्यूमेंट। ऑल्टरेशन मतलब हो गया चेंज। ऑल्टर ईगो हो गया वंस अदर सेल्फ। ठीक है, तो ये जो हमारे शब्द थे इसके बाद हमने पूरा एक जो आपका सेशन 1, 2, 3 जो हमारा है, एक चैप्टर आप एक तरीके से समझ लीजिए। चैप्टर 1 हमने क्लोज कर लिया है। चैप्टर 1 में आपको पूरे बिहेवियर के बारे में, अबाउट पर्सनैलिटी टाइप्स इसमें बताया था। इसके बाद हम अन्य वीडियोस को भी मैं आगे बनाऊंगा जिनमें आपके बाकी के चीज़ों का डिस्कशन हम करेंगे। जैसा कि मैंने टोटल कहा है, टोटल 46-48 सेशन है आपके, इसमें उन सभी का डिस्कशन हम लोग करेंगे। 42 सेशन है जिनमें हम लोग पढ़ेंगे, तो सभी चीज़ों का डिस्कशन होगा। आप बस अपना सपोर्ट बनाए रखिए। आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत उसके लिए धन्यवाद। इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइए, एक दो लोगों के साथ अपने शेयर कर दीजिए जिससे कि थोड़ा और लोग देखें, जिससे कि मुझे ये बल मिल पाए, मुझे कॉन्फिडेंस आ पाए कि हाँ मुझे ये सीरीज़ कंप्लीट करनी है और वाकई में आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि आपको बेनिफिट होगा
तो हम अगर कुछ करेंगे, कोई अगर हम कुछ मेहनत कर रहे हैं उससे अगर आपको फायदा हो रहा है तब तो अच्छी बात है, अगर आपको उससे कोई फायदा ही नहीं हो रहा तो फिर उस सेशन को करने का कोई मतलब नहीं बन जाता है, ठीक है। अगर आप अनअकैडमी पर मेरी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरा रेफरल कोड नोट कर सकते हैं AMANT, और अगर आप मोर देन 10% डिस्काउंट चाहते हैं तो 8299117042 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे कोर्सेज मैंने आपको बताया जो शुरू हो रहे हैं, आपका ये 20 तारीख से शुरू हो रहा है, कंप्लीट इंग्लिश का कोर्स है, 4 बजे से 6 बजे तक इसमें मेरी क्लास होगी, तो इन सभी चीज़ों को ज्वाइन करना है। अगर आप क्लासेस को तो आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और इस सीरीज़ को ज्वाइन देखते रहिए पूरा, आपको डेली आपको एक वीडियो मिल रहा है। बाकी जो CPO वाली सीरीज़ है उसे भी मैं जल्दी कंटिन्यू करूंगा, एंड आई विल ट्राई टू मेक दो सेशंस लाइव। मैं कोशिश करता हूं जिस समय मुझे समय मिल पाता है उस समय मैं लाइव आकर उनको उनका डिस्कशन मैं शुरू करूंगा आप सभी के साथ में। तो आशा करता हूं जितना अभी तक बताया है सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, शेयर कीजिए, बुक को नहीं खरीदा तो बुक खरीद लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स में भी पिन है, उससे टेलीग्राम ज्वाइन कर लो और वहां पर इस सेशन की PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।